औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय चैती छठ मेले की शुरुआत हो गई है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं देव का पौराणिक सूर्य मंदिर और उसके साथ साथ पवित्र सूर्य कुंड भी सज धज कर तैयार हो गया है। DM सौरभ जोरवाल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्रतियों की सुविधा के लिए कुछ बदलाव भी हुए हैं, नए मार्ग भी तैयार किए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। इस तारीख को हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा उसके, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और जो मुख्य समस्या इस समय में आती है वो गर्मी को लेकर, पानी को लेकर आती है। हालांकि भीड़ इसमें रिलेटिवली कम होती है, लेकिन पानी को लेकर हम लोग तैयारी करते हैं। इस बार हमने एक अतिरिक्त मार्ग भी निकाला है, जो कुंड के पीछे का एक रास्ता है, कुंड के पीछे से एक निजी जमीन से एक रास्ता जा रहा है, उसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके ओपन किया है और भीड़ को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी संस्थाओं का सहयोग लिया गया है। चारों तरफ हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि पास में हम लोग अपना आवासन रखें। पहले यूजुअली हम लोग दूर रखा करते थे, इस बार हमने कोशिश की है कि पास आवासन रखें ताकि लोग समय से आएँ और अनावश्यक वहाँ पर भीड़ ना लगें। इसको भी हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ब्रीफिंग कल इसकी रहेगी और पोस्ट डिप्यूटेड रहेगी, लोगों के सहयोग हम लोग करेंगे और लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस कार्य।